डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। आज हम एमए एजुकेशन की सीरीज में पेपर इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन अर्थात बुद्धि सृजनात्मकता तथा शिक्षा की यूनिट 6 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 6 में देखेंगे हम, इसमें है कि सृजनात्मक एवं प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं का प्रबंधन कैसे करते हैं, यानी जो दो तरह के बालक होते हैं, क्रिएटिव और गिफ्टेड, जो टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत होशियार बच्चे कहलाते हैं, उनकी जो कुछ समस्याएं होती हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास में कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं, और वहाँ पर कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी टैलेंटेड भी होते हैं। तो उन जो टैलेंटेड होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो सब बच्चों के साथ एकदम फिट नहीं हो पाते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इससे संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, और ये प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखें। प्रश्न 1, मौलिक उत्पाद सृजित करने की क्षमता के रूप में सृजनात्मकता को किसने परिभाषित किया है? विकल्प देखिए, गोलमैन या जेम्स ड्रेवर या कूपर एवं स्वाफ या निकोलस हम फ्री। तो ये जो परिभाषित किया है ये किया है जेम्स ड्रेवर ने, अतः विकल्प बी जेम्स ड्रेवर यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, अहम अभिव्यक्ति के अवसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था में दिए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए विकल्प हैं पिछड़े बालकों की, या मंद बुद्धि बालकों की, या सृजनात्मक बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के जो अवसर होते हैं वो जो सृजनात्मक बालक होते हैं, यानी जो प्रैक्टिकली इंटरेस्टेड रखते हैं, या जो कोई प्रोजेक्ट तैयार करने में जिनको मज़ा आता है, तो इस तरह की नई नई एक्टिविटीज करने में जो अच्छे होते हैं उनके लिए यह है। अतः विकल्प सी सृजनात्मक बालकों की यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, विस्तारीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी टेंडेंसी ऑफ एक्सपेंशन, पिछड़े बालकों में, या प्रतिभाशाली बालकों में, या मंद बुद्धि बालकों में, या सृजनात्मक बालकों में। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है वो सृजनात्मक बालकों में पाई जाती है, अतः विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, सृजनात्मक बालकों द्वारा किसी समस्या का अन्वेषण किया जाता है, यानी इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है? विकल्प देखिए, साथियों की मदद से, या दूसरों के कहने पर, या व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा, ये सभी। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो विश्लेषण करते हैं या इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं स्टडी द्वारा, यानी पर्सनल स्टडी करते हैं, वो पहले उसका अध्ययन करते हैं। अतः विकल्प सी व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, अधिगम के रूप में, या कल्पना के रूप में, या चिंतन के रूप में, या ये सभी। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग के रूप में होता है, अधिगम के रूप में होता है, तो विकल्प ए अधिगम या लर्निंग यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से प्राथमिक छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए आवश्यक है। जो प्राथमिक छात्र होते हैं यानी छोटी क्लासेज होती हैं प्राइमरी, उनमें जो बच्चे होते हैं उनका सृजनात्मक विकास करना, ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पर क्रियाएं हैं और क्या आवश्यक है देखते हैं। यहाँ पर विकल्प निष्पक्षता जरूरी होती है, या भौतिक सुविधाएं, या कठोर अनुशासन, या प्रेरणा का अभाव। तो यहाँ पर देखिए जो फिजिकल फीचर्स होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अतः भौतिक सुविधाएं यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर मॉडल हैं, चार्ट्स हैं, और इस तरह की जो सहायक सामग्री है वो होना बहुत जरूरी है। प्रश्न 7, सृजनशील माध्यमिक छात्रों की पहचान करके शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। अब यहाँ पर माध्यमिक छात्रों की बात आ गई, ठीक है जी, जो इंटरमीडिएट लेवल की कह लीजिए, सेकेंडरी लेवल के। तो विकल्प देखिए, सृजनशील साहित्य देकर, या विद्यालय में सुविधा देकर, या दूसरे विद्यालयों में ले जाकर, या ये सभी। तो यहाँ पर देखिए हम उनको साहित्य भी दे सकते हैं, और विद्यालय में सुविधा भी दे सकते हैं, दूसरे विद्यालयों में भी ले जाकर उनको दिखा सकते हैं। अतः यहाँ पर विकल्प डी ये सभी सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, माध्यमिक छात्रों की सृजनात्मकता का सर्वाधिक उपयोग होता है। विकल्प, व्यावसायिक निर्देशन में, या शैक्षिक निर्देशन में, या नैतिक निर्देशन में, या
व्यक्तिगत निर्देशन में। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए व्यावसायिक निर्देशन में, यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न 9, प्राथमिक छात्रों में सृजनशीलता के विकास के लिए अध्यापक अभिभावक संघों की भूमिका होनी चाहिए। यानी एक स्कूल में जैसे एक कमेटी होती है जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स शामिल होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ देखिए विकल्प हैं रचनात्मक या राजनीतिपूर्ण या आलोचनात्मक या निष्क्रिय। तो ये रचनात्मक क्रिएटिव होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर विकल्प एक रचनात्मक सही उत्तर होगा। प्रश्न 10, किसने सृजनात्मकता को वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण माना? विकल्प फ्रायड ने या एडलर ने या वॉटसन ने या बिने ने। तो ऐसा माना है एडलर ने, अतः विकल्प बी एडलर यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए अच्छे संबंध आवश्यक हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट हैं उनमें हमें सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, तैयार करनी है, उनमें लानी है, तो यहाँ पर क्या आवश्यक है, कौन से संबंध आवश्यक हैं। विकल्प देखिए शिक्षक एवं छात्र के बीच, या शिक्षक अभिभावक के बीच, या शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के बीच, या इन सभी के बीच। तो देखिए यहाँ पर सभी के बीच एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। मान लें यहाँ पर टीचर है, ठीक है, बीच में अगर टीचर है तो इनका यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के साथ भी तालमेल होना ज़रूरी है, और आपका जो गार्जियन होते हैं उनके साथ भी, और जो प्रिंसिपल है उनके साथ भी, यानी तीनों के साथ एक अच्छा तालमेल होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। अतः यहाँ पर विकल्प डी इन सभी के बीच सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, मैकिनन ने अपने अध्ययन में पाया कि कम सृजनात्मक व्यक्ति, विकल्प विश्वसनीय होते हैं या आश्रित होते हैं या सहनशील होते हैं या सभी होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो विश्वसनीय भी होंगे, आश्रित भी होंगे और सहनशील भी होंगे, अतः विकल्प डी ये सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को, यानी शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, छात्रों को अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बात सही है। विवादपूर्ण व चिंतन को जन्म देने वाले प्रश्न पूछने चाहिए, यानी ऐसे प्रश्न पूछे कि स्टूडेंट का जो माइंड है वो काम करे और चिंतन करने के लिए वो तैयार हो। तो नेक्स्ट देखिए, छात्रों में रचनात्मक आलोचना की अक्षमता का विकास करना चाहिए, बात भी सही, यानी आलोचनात्मक तथ्य उनके माइंड में आए, किसी भी चीज़ को एकदम आँख बंद करके वो स्वीकार ना करें, बल्कि आलोचनात्मक क्षमता भी उनमें विकसित हो। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प डी उपर्युक्त सभी आवश्यक हैं, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, सृजनात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विकल्प देख लेते हैं, सृजनात्मकता लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, ये बात सही है। नवीनता व अनुठापन इसके परिणामों के गुण है, सही है। सृजनात्मकता सार्थक पूर्व ज्ञान पर निर्भर होती है, सही है। और डी देखिए, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि के उच्च स्तरों का होना आवश्यक है, ये बात सही है। जरूरी नहीं है कि बच्चा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, टैलेंटेड होना अलग चीज़ है और सृजनात्मक क्रिएटिव होना अलग चीज़ है। कुछ बच्चे देखते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड नहीं होते लेकिन एक्टिविटीज में बहुत आगे होते हैं, बहुत सारे हुनर या स्किल सीख लेते हैं। तो अतः विकल्प यहाँ पर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, सृजनात्मक व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? विकल्प वे स्वाग्रही होते हैं, दे आर सेल्फिश, ये बात हो सकती है सही। वे नवीनता व जटिलता में रुचि रखते हैं, ये बात सही हो सकती है। वे बहुत कम हास्य भाव रखते हैं, ये नहीं लगती। वे दमन का बहुत कम उपयोग करते हैं, ये बात सही लगती है यहाँ पर। अतः विकल्प सी, वे बहुत कम हास्य भाव रखते हैं, यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, टेलर के अनुसार सृजनात्मकता का सर्वोच्च स्तर क्या है? विकल्प परिवर्तनात्मक सृजनात्मकता या अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता या उत्पादक सृजनात्मकता या अभिव्यक्तित्वात्मक सृजनात्मकता एक्सप्रेसिव। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 17, किसी भी शैक्षिक परिस्थिति में नवीन नवोन्मेष की प्रस्तुति करने वाला बालक होता है। विकल्प सृजनशील या प्रगतिशील या अनुशासित या अनुभवी। तो ऐसी परिस्थिति में
अगर वो प्रस्तुति देता है तो वो सृजनशील बालक की श्रेणी में आएगा। तो विकल्प ए सृजनशील क्रिएटिव यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब हम प्रतिभावान या प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है उसकी समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इसके बारे में प्रश्न पढ़ेंगे इसी श्रेणी में। प्रश्न 18 है, प्रतिभावान बालक को सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए, ये कथन है। ओटो का या हेक का या क्रो एवं क्रो का या स्टोक का? तो ऐसा जो विचार दिया था वो क्रो एंड क्रो दिया था, अतः विकल्प सी क्रो एंड क्रो यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, प्रतिभावान बालकों को वर्ष में 2 बार उन्नति के लिए किसने सुझाव दिया? विकल्प क्रो एंड क्रो ने या हेक ने या ओटो ने या स्टोक ने? तो ऐसा विचार जो है वो क्रो एंड क्रो ने प्रस्तुत किया था कि एक बच्चा जो प्रतिभावान है, टैलेंटेड है, उसको एक साल में 2 कक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो अतः विकल्प यहाँ पर ए क्रो एंड क्रो ने सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन हेतु कौन सी शिक्षण प्रणाली अपनाई जा सकती है, यानी कौन सा टीचिंग मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं? विकल्प पृथक्करण या गतिवर्धन या संपनीकरण या ये सभी? तो यहाँ पर ये सभी विकल्प हम अपना सकते हैं, तो विकल्प डी ये सभी सही उत्तर होगा। प्रश्न 21, पृथक्करण अध्ययन विधि सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई, यानी जो सेपरेशन स्टडी मेथड है वो कहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया था, अमेरिका में या रूस में या भारत में जापान में? तो ये अमेरिका में हुआ था, तो विकल्प ए अमेरिका में यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, गतिवर्धन विधि को मान्यता देने वाले शिक्षा शास्त्री हैं? विकल्प विटी या विल्किंस या टर्मन ये सभी? तो इन सभी ने यहाँ पर ये मान्यता दी है, अतः विकल्प डी ये सभी सही उत्तर होगा। प्रश्न 23, बौद्धिक कार्यों में रुचि होती है? विकल्प प्रतिभाशाली बालकों की या मंदबुद्धि बालकों की या पिछड़े बालकों की या इन सभी की? देखिए जो बौद्धिक माइंड से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं उन्हीं का होता है, तो विकल्प ए प्रतिभाशाली बालकों की यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 24, परीक्षणों के आधार पर प्रतिभावान बालकों में अधिक होता है, यानी क्या अधिक होता है? बहुत सारे इस तरह के जो टेस्ट किए गए हैं, परीक्षण किए गए हैं, तो देखा गया है, तो उनमें कमर दर्द ज़्यादा होता है या सिर दर्द ज़्यादा होता है या चर्म रोग या आलस्य? तो देखिए आपने भी देखा होगा जो प्रतिभावान बालक होते हैं पढ़ने में अध्ययन करने में अधिक रुचि लेते हैं, तो कभी कभी उनमें देखने में आता है कि उनमें सिर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए विकल्प बी सिर दर्द या हेडेक यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 25, प्रतिभावान बालकों की एक समस्या है, यानी एक प्रॉब्लम है, क्या आत्मसम्मान की समस्या? हाँ, ये समस्या होती है उनकी। अध्यापक की समस्या, अध्यापक की समस्या भी रहती है इनके सामने, और सफलता की समस्या भी इनके सामने रहती है, अतः ये तीनों रहती हैं, अतः विकल्प डी ये सभी उपलब्धि सही उत्तर होगा। प्रश्न 26, प्रतिभाशाली एवं सृजनशील बालकों में अंतर किया जा सकता है? देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक इनमें क्या अंतर है, तो विकल्प देखिए बौद्धिक अक्षमता के आधार पर या सामाजिक समायोजनशीलता के आधार पर या व्यक्तिगत समायोजनशीलता के आधार पर या रचनात्मक क्षमता के आधार पर? तो इनका जो अंतर है, इनमें अंतर बनेगा वो बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के आधार पर, यानी माइंड के आधार पर यहाँ पर बनेगा, अतः विकल्प है बौद्धिक अक्षमता के आधार पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 27, प्रतिभाशाली बालकों की तीव्र प्रोन्नति करने से उनमें पैदा होती है समस्या। देखिए अगर तीव्र प्रोन्नति का मतलब यह है कि अभी हमने देखा था कि एक साल में, मिसाल के तौर पर एक साल में अगर 2 कक्षाएं करते हैं तो इसमें बच्चों को जो उन्नति तो मिलती है, प्रगति मिलती है, लेकिन कुछ समस्या भी पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक कक्षा में हमने उसको 6 महीने रखा तो दूसरी कक्षा में भी 6 महीने रखना पड़ेगा, लेकिन फिर उन बच्चों के साथ उन उसको कैसे जो नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेगा वो, तो उसमें जो वो बच्चे होंगे पहले से पढ़ रहे होंगे तो उनके साथ उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम देखने में मिलेगी। तो देखिए विकल्प हैं अहम की या फिर अधिगम की या शिक्षण की या समायोजन की। देखिए अहम की तो नहीं होगी, अधिगम की भी लर्निंग भी वो कर ले सकता है, कैसे भी पढ़ेगा, और टीचिंग की भी प्रॉब्लम शायद कम रहेगी न होगी, लेकिन एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा होती है कि कैसे क्लास में उसको एडजस्ट किया जाएगा, उसका कोर्स कैसे वहाँ पर होगा। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प डी जो है समायोजन की या एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 28,
किसने कहा था, प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनका निष्पादन संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में निरंतर उल्लेखनीय होता है। टॉयलर ने या डब्ल्यू टी हैरिस ने या लूसीटो ने या विटी ने, तो विटी ने ऐसे विचार व्यक्त किए थे, अतः विकल्प डी विटी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 29, प्रतिभावान बालकों के लिए पर्याप्त पुस्तकालय सुविधा न होने पर उनमें उत्पन्न होता है, यानी जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं अगर वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो उनमें क्या उत्पन्न होगा, तो संतोष उत्पन्न होगा या असंतोष या विरोध या प्रसन्नता, तो देखिए उनमें एक असंतोष की भावना पैदा होगी, अतः विकल्प बी असंतोष यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 30, प्रतिभावान बालकों में सामान्य बालकों की गति से अध्ययन करने पर समस्या पैदा होती है, माने अगर जो बैकवर्ड स्टूडेंट हैं और मंदबुद्धि स्टूडेंट हैं और जो प्रतिभावान हैं, अगर एक ही कक्षा में वो पढ़ेंगे सभी बच्चे, तो उनमें कौन सी गति से अध्ययन, यानी जो सामान्य बालकों है वो तो कम नॉर्मल गति से पढ़ेंगे, लेकिन जो ये है ये आगे अपने आप को बढ़ता हुआ नहीं मानते, तो कौन सी समस्या पैदा होगी इनके लिए, तो देखिए अनुशासन की समस्या पैदा होगी, हाँ हो सकती है कुछ समायोजन की एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम भी यहाँ पर पैदा होती है, और कुंठा की फ्रस्ट्रेशन उनमें आ जाता है, इसलिए ये सभी पैदा होती हैं, अतः विकल्प डी ये सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 31, प्रतिभावान बालकों को उत्तरदायित्व की भावना का अवसर देने पर अनुभव करते हैं कैसा, नेतृत्व का विकास या कार्य में अरुचि का या कार्य की शक्ति का या कार्य से पलायन का, ठीक है, अगर उनको मौके देते हैं आगे बढ़ने का तो उसमें नेतृत्व विकास का जो है वो अनुभव करते हैं, अतः विकल्प ए नेतृत्व विकास का लीडरशिप डेवलपमेंट यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 32, प्रतिभावान बालकों को संतुष्ट करने के लिए दिया जाने वाला सर्वाधिक संतोषजनक कार्य क्या है, यानी उनको संतुष्ट करना है तो सबसे क्या काम उनको दिया जा सकता है जिससे वो संतोषजनक स्थिति में महसूस करें, तो देखिए व्यक्तिगत कार्य या प्रयोगात्मक कार्य या पर्याप्त गृह कार्य या उपयुक्त कोई, तो उनको प्रैक्टिकल वर्क हम दें तो वो जाते संतोषजनक स्थिति में महसूस करेंगे, तो विकल्प बी प्रयोगात्मक कार्य प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 33, प्रतिभावान बालकों को अपनी समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक है, विकल्प निष्पक्ष निर्देशन या सतत मूल्यांकन या पर्याप्त सुविधाएं या सभी, तो ये सभी की जरूरत पड़ती है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 34, प्रतिभावान बालकों को पर्याप्त भौतिक सुविधाएं देने से उन्हें अवसर मिलता है किस चीज़ का, शैक्षिक विकास का, प्रतिभा दिखाने का या उन्नति करने का, इनमें से कोई नहीं, तो उनको अपने टैलेंट को शो करने का मौका मिलता है, अतः विकल्प बी प्रतिभा दिखाने का यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 35, प्रतिभावान बालकों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें किस प्रकार का सर्वाधिक कार्य देना चाहिए, विकल्प सेमिनार आयोजन या नए प्रोजेक्ट या शैक्षिक क्लब या शैक्षिक वर्कशॉप, तो उनको प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, इसलिए विकल्प बी न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 36, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन किसकी रचना है, विकल्प हैवी ग्रेस्ट की या हार्टफोर्ड या ऑटो एलेमन, तो ये हैवी ग्रेस्ट की है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब पिछले बालकों की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न जो स्थितियों बनते हैं उनको देखते हैं। प्रश्न 37, मानसिक ह्रास का ह्रास सूचक दिया है, विकल्प वर्नोन ने या वेशलर ने या स्टोडॉल ने या ल्यूसीटो ने, तो यहाँ पर ये जो सूचक दिया है वेशलर ने दिया है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 38, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑन मेंटल डेफिशिएंसी यानी AAMD के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता के बालकों की बुद्धि लब्धि IQ होती है, कितनी IQ होती है जो मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं, देखिए विकल्प में 36 से 51 या 20 से 35 या 20 से भी कम less than 20 या 52 से 67, तो ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि 20 से 35 रहती है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे साबित हो सकते हैं, तो इसी क्रम में प्रश्न 39, महान अन्वेषकों एवं महापुरुषों की कहानी बताना किसको प्रोत्साहित करने में प्रयोग होती है, विकल्प सृजनात्मकता या बुद्धि या व्यक्तित्व या अभिरुचि, तो पर्सनैलिटी इसका उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न
40 कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता को समायोजित करने के लिए किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, एक कक्षा में अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे होते हैं तो उनको कैसे एडजस्ट करना है, ये यहाँ पर क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है एक टीचर को। तो विकल्प देखिए, यहाँ पर मानसिक भिन्नता को ध्यान रखना होता है, ये बात भी सही है। शारीरिक भिन्नता ये भी सही है, यहाँ पर संवेगात्मक यानी इमोशनल डिफरेंस को भी ध्यान में रखना होता है, तो ये सभी सही है। अतः विकल्प डी यहाँ पर ये सभी सही उत्तर होगा। प्रश्न 41, बुद्धि के पास अलोंग टेस्ट में ब्लॉकों के रंग होते हैं, यानी जो पास अलोंग टेस्ट होता है उसमें जो ब्लॉक होते हैं उनका कलर कैसा होता है? देखिए, काला व सफ़ेद ऑप्शन दिया है, या लाल व नीला, या पीला व नीला, या हरा व लाल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो जो वो रेड और ब्लू होगा, अतः विकल्प बी रेड लाल तथा नीला यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 42, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज मापन करता है, किस चीज़ को मापता है? अमूर्त चिंतन का, या प्रत्यक्षात्मक तीव्रता का, या तार्किक चिंतन का, या इन सभी का? तो इन सभी को यहाँ पर ये मापन करता है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 43, अधिक अमूर्त बुद्धि रखने वाले बच्चे प्रायः बनते हैं, ठीक है, दार्शनिक बनते हैं, या गणितज्ञ बनते हैं, कलाकार बनते हैं, इनमें से कोई? यानी अमूर्त बुद्धि का मतलब है जो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो वो दार्शनिक भी बनते हैं और गणितज्ञ मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं, आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनमें से सभी ये विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न 44, पिछड़ा बालक रखता है, यानी जो बैकवर्ड चाइल्ड होता है उसमें क्या होता है? कक्षागत समायोजन की समस्या है, ये बात सही है। शिक्षकों एवं विद्यालय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, ये बात सही है। सीखने के प्रति कम अभिप्रेरणा, लेस मोटिवेशन टू लर्न, ये भी होती है, इसलिए यहाँ पर सभी बातें वो रखता है, अतः विकल्प डी ये सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इस यूनिट का अंतिम प्रश्न जिसका उत्तर आपको करना होता है व्यूअर्स के लिए होता है, प्रतिभा मापन की इकाई यानी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टैलेंट, टैलेंट को हम कैसे मापते हैं ये आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर विकल्प में चित्र, पिक्चर के द्वारा, लेख, आर्टिकल के द्वारा, संगीत, म्यूजिक के द्वारा, बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू के द्वारा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना, और ये भी साथ में बताना है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।